धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बा, आप घबराइए मत, गोपी के साथ मैं हूं, मैं इसकी मदद करूंगा। अरे गोपी वो, जब तेरा साथिया तेरा साथ निभाने की हामी भर रहा है तो एक बार डरवानी बात सोचे। तेरा बनाया हुआ अचार अच्छा हो जाए। मैं तुम्हारे साथ। हिमजी, ये ठीक तो हो जाएगा ना? मेरा मतलब वही स्वाद जो सबको पसंद आता है। गोपी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो, वैसे हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। हो गया चलो ये तो हो गया, अब ऐसा करते हैं कल सुबह तक इसे यूं ही छोड़ देते हैं। अब गोपी, वैसे तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें चाय बना के पिलाई थी, और आज देखो अचार बनाने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं, है ना? थैंक यू अहम जी। वेलकम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे गोपी वो, मेरा नुस्खा काम में आ गया कि नहीं? जी बा, मैंने और अहम जी ने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे आपने हमें बताया था, और अभी नाश्ता करने के बाद हम जाकर देख भी आएंगे कि वो ठीक हुआ या नहीं। माफ कीजिएगा बा, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, आप और
गोपी बहू किस नुस्खे की बात कर रहे हैं? अरे वही आचार ठीक करने की। आचार ठीक हो गया? मेरा मतलब है कि अच्छी बात है कि आचार ठीक हो गया। चाशी पेन, हमने कोशिश तो की है पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो सार, तुम दोनों ने मिलकर ये आचार को ठीक करने की कोशिश की है, पर एक बात तुमसे जरूर कहूंगी गोपी बहू, हर बार तुम्हारी सहायता के लिए अहम तुम्हारे साथ नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। जवा देने को क्या? मैं तो गाना जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गोपी के हाथ का बना हुआ आचार उसका स्वाद बिल्कुल ठीक हो जाए। बस बच्चों की मेहनत सफल हो जाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ आइए जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे मैंने सवार सवारे आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मेहता जी, हम आपको कल अचार देने वाले हैं। अरे बराबर बर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मैं ये देखने चला आया कि आपके आचार का काम कैसा चल रहा है। जी जी वो। अरे आचार तो बन गया ना मेहता जी। आचार तो गोपी ने बना लिया है, लेकिन पूरी तरह से कल ही तैयार होगा। अच्छा अच्छा, क्या मैं थोड़ा सा आचार चख सकता हूँ? जी मैं अभी लाई। अच्छा अच्छा अच्छा। मेहता साहब क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, फक्त आचार। देखने में तो बहुत सरस लगता है। देख तो लिया पर अबे चक्के भी तो देखो। जी वाह। A1। गोपी जी, हर बार आपके अचार के स्वाद में एक नया निखार आता है। साचे तमारा हाथ मा अन्नपूर्णा नो वास छे। वैसे क्या नाम सोचा है आपने इस अचार का? अरे क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे? अब अचार बनाया है तो उसका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना। आप लोग एक अच्छा सा नाम सोच लीजिएगा, कल मैं अचार लेने आऊंगा तब मुझे बता दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपियो, तमे पोताना आचारना शुं नाम सोचो छे? नहीं बा। मुझे लगता है इस अचार का नाम देना चाहिए बा के अनोखे आचार, क्योंकि आइडिया बा का ही तो था। अरे नहीं जीगा, दिख रहा स्वाद प्यार भरे हाथों का, ये कैसा रहेगा? पता ये आचार है तेरी कविता नहीं। ये कैसा रहेगा घर का आचार? Nah, that's boring. गोपी आचार, ये नाम कैसा रहेगा? वैसे भी आचार गोपी बहू ने बनाया है तो
मेरे ख्याल से गोपी आचार ये नाम ठीक रहेगा। नहीं नहीं, इसका नाम होना चाहिए धमाका आचार या फिर तूफानी आचार। राशि, ये पटाखा नहीं है, आम का आचार है। मम्मी, उस गोपी गवार ने मरे हुए आचार को फिर से जिंदा कर दिया। शू मरवा जीवानी बातों करे छे। ओ, मैं ये कह रही हूँ कि गोपी ने उस खराब आचार को फिर से ठीक कर दिया। पर ये कैसे? बा ने पता नहीं उसे ऐसा कौन सा नुस्खा दिया कि रातों रात गोपी ने वो आचार बिल्कुल ठीक कर दिया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं पड़ने दी। कचड़ी, वो जब ये सब कर रही थी तब तू कहाँ थी? अरे पापा, मैं सो रही थी। तो तू सोती रहे हा? और वो गवार आचार बेच बेच के करोड़पति बन जाएगी और तू उसके घर की नौकरानी बन के रह जाएगी। प्लीज प्लीज ऐसा सब मत कहिए ना। भगवान, मम्मी आप जानती हैं? अब तो उस गवार के आचार का नाम भी सोचा जा रहा है। नाम? और नहीं तो क्या? मम्मी आप तो बस देखती जाओ अपनी भाणेज की लीलाएं। ये बात तो मेरे गले ही नहीं उतर रही है। अब उस गवार के आचार का नाम भी होगा। हाँ मम्मी, और आप देखना उस आचार का जो भी नाम डिसाइड होगा देखते ही देखते सबके मुंह पे चढ़ जाएगा। काश के आचार आपके हाथ लगा होता तो कम से कम उस आचार का नाम मेरे नाम पे रखा जा सकता था। अरे दिकरा, ये तो अब भी हो सकता है। बस उस गवार के आगे बिचारी बनने का और दसवें बहाने का नाटक कर, फिर देख वो गवार कैसे पिघल जाती है और वो नक्की अपने आचार को तेरा नाम दे सकती है। हाँ। मम्मी, कागड़ी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। वो बात की बात सोचेंगे, पहले तो तू उस गवार के पास जा और उसे अपने नाम का सुझाव दे।